दोस्तों अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में और अपना मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन चेंज करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट के साथ, तो आप कैसे चेंज कीजिएगा अभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरा भी अकाउंट केनरा बैंक में और हम भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे थे, तो हम इसके नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों को यूज करते हैं। जब वहाँ सर्च किया कि कैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ फिलहाल ऐसी कोई फैसिलिटी हमें तो नहीं मिला। हो सकता है कि ऐसी कोई फैसिलिटी हो पर हमें पता नहीं चला, तो चलिए इसके कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं और पता करते हैं क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है जहाँ से हम अपना घर बैठे ऑनलाइन अपने अकाउंट से अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसी फैसिलिटी होगी तो आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके कस्टमर केयर से बात करके पता कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा 1800 1030। ये केनरा बैंक का ऑफिशियल कस्टमर केयर का नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर तो आप इसी नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता करके उनका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए पहले पता करते हैं कैसे नंबर चेंज करेंगे। इसके लिए हम इस नंबर पे कॉल कर लेते हैं। केनरा बैंक में आपका स्वागत है। वेलकम टू केनरा बैंक। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। फॉर रीजनल लैंग्वेज जो भाषा चुनी है वो है हिंदी। केनरा बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए 1 दबाएं। डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग के लिए 1 दबाएं। खाता ब्लॉकिंग के लिए 2 दबाएं। बैंकिंग संबंधी प्रश्नों के लिए 3 दबाएं। कार्ड संबंधी प्रश्नों के लिए 4 दबाएं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए 5 दबाएं। लोन उत्पाद संबंधी जानकारी के लिए 6 दबाएं। ग्रीन पिन जनरेशन या टी पिन को सेट या रीसेट करने के लिए 7 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। इस मेन्यू को दोहराने के कृपया लाइन में बने रहें। हम आपके कॉल को हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया ध्यान रहे कि गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से ये कॉल दर्ज की जाएगी। नमस्कार, केनरा बैंक में आपका स्वागत है। मैं सुखी, आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्कार मैम, देखिए मेरा अकाउंट केनरा बैंक में है और हम अपना ना मोबाइल नंबर से चेंज करना चाह रहे, तो कैसे करेंगे मैम? जरूर सर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। नाम चेंज करवाना चाहते हैं आप अपने अकाउंट में? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं। जी जी, मोबाइल नंबर आप चेंज करवा सकते हैं होम ब्रांच से सर। ठीक है, आपको सर अपने होम ब्रांच में जाना है जहाँ अकाउंट ओपन करवाया था। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड। हेलो मैम, बताइए। ऑनलाइन चेंज करना चाह रहे तो कैसे करेंगे? सर माफी चाहते हैं, ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, किसी भी माध्यम से चेंज नहीं होता, वो सिर्फ ब्रांच से चेंज होता है। आपको खुद से अपने बैंक में जाना होगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेने हैं और 59 रुपीज सर्विस चार्जेस लगते हैं अपडेट करवाने के लिए। वहाँ मोबाइल नंबर आपको देना है जो आपको चेंज करवाना है, तो 2 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब जैसे कि मैंने केनरा बैंक का ना हम नेट बैंकिंग को भी यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग को भी यूज करते हैं, तो वहाँ से नहीं होगा? नहीं सर, मोबाइल नंबर वहाँ से चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर सिर्फ आपके ब्रांच से चेंज होता है जहाँ अकाउंट ओपन करवाया था आपने, वहाँ से। अच्छा, तो वहीं जाना पड़ेगा? हाँ जी सर। तो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में मैम? आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वो नंबर जो आप चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो नंबर पास होना चाहिए। हाँ जी, वो फॉर्म दिया जाएगा एक आपको, जिसमें आपको वो नंबर भरना है जो आप चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है सर, ओके, जो आप चाहते हैं अपने अकाउंट में आप रखना चाहते हैं नंबर, वो आपको लिखना है, उसमें फॉर्म दिया जाएगा, वो भर लीजिएगा। ठीक है जी, तो चेंज हो जाएगा। जनवरी संबंधित और कोई जानकारी सर? हाँ, वो चार्ज क्या बताए थे कि कितना कटेगा खाते से? 59 रुपीज सर, 59 रुपया। हाँ जी, अच्छा, ये एक ही बार ना कटेगा कि मतलब हर महीने कटेगा? नहीं नहीं, बस एक बार ही कटेगा सर, हर महीने नहीं कटेंगे, सिर्फ एक बार कटते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट किया हुआ है ना आपने, उसके लिए सिर्फ एक बार कटेगा। ठीक है, हर महीने नहीं कटते हैं, आप वो निश्चिंत रहिए। ओके, तो ब्रांच ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई साधन नहीं है? नहीं सर, ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है सर। अच्छा, अपडेट करवाना है आपको अपने अकाउंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो आपकी होम ब्रांच से ही होती है। ठीक है जी जी, एक चीज और पूछना था मैम,
कि जहाँ से अकाउंट ओपन किए वहीं जाना पड़ेगा या फिर कैनरा बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में जाकर के करवा सकते हैं? सर जहाँ अकाउंट ओपन करवाया था वहीं जाना होगा आपको, दूसरे किसी ब्रांच से नहीं होगा। अच्छा, वहीं जाना पड़ेगा। आपके नजदीक में कोई कैनरा बैंक ब्रांच होती है ना, तो वहाँ से नहीं होगा। अच्छा। जहाँ अकाउंट ओपन करवाया था वहीं से होगा। अच्छा जी, चलिए मैम, तब ठीक है, करवा वहीं जाना पड़ेगा। जानकारी जी नहीं, बस यही जानकारी चाहिए था। निवेदन तो जैसा कि अभी आपने सोच अपना नंबर चेंज करने के लिए आपने अकाउंट के साथ आपको अपने नियरेस्ट के ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर हमें भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो हमको भी अपने नियरेस्ट के ब्रांच में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन फिलहाल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप नंबर चेंज करना चाह रहे तो आप अपने नियरेस्ट के ब्रांच में जाइए और डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके उसी में फ़ोटो चिपका करके अपना मोबाइल नंबर आप चेंज करवा सकते हैं। तो कुछ ये प्रोसेस है मोबाइल नंबर चेंज करवाने का, ऑनलाइन आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं करवा सकते। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।